मिश्री 10 मिनट में तैयार होने वाली है। एकदम कुरकुरी टेस्टी और गर्मा गर्म जलेबी। तो अगर एक बार इस तरीके से बना ली तो बाजार से लाना भूल जाओगे और फटाफट से हर बार 10 मिनट में घर पे बनाओगे। एकदम कुरकुरी रस भरी जलेबी, देखिए कितनी बढ़िया सुंदर जलेबी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ लिया है मैंने 2 कटोरी मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेना है, कोई सी भी कटोरी ले लेनी है, उस कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया है। देखिए इस तरह से इसको छान लेना है। तो यहाँ मैंने मैदे को छान लिया है। अब इसमें डाल देंगे आधा पाउच इनो का। हाथों से अच्छी तरह फेंटते हुए स्पीड से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर अगर चम्मच की जगह हाथ से ही बनाओगे तो इतना बढ़िया बैटर बनेगा, क्योंकि हलवाई हमेशा हाथ से इस तरह से फेंटते हुए फिर जलेबी की बैटर को तैयार करते हैं। तो चम्मच की बजाय हाथ से बनाए बैटर तो आपकी जलेबी बहुत ही बढ़िया बनेगी और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो इस तरह देखिए जिस तरह से मैंने मसलते मसलते हुए बैटर तैयार कर रही हूँ, ये इस तरह से हमें जलेबी का बैटर तैयार करना है। झटपट से, ना तो इसको पहले गलाना है ना कुछ नहीं, फटाफट इधर बैटर बनाया और इधर हमारी जलेबी बनाई। बस इतना सा है कि जितनी देर अपनी चाशनी बनेगी उतनी देर इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो इस तरह एकदम स्पीड के साथ हाथों से फेंटते हुए इसका बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ मैंने इस तरह से जलेबी के बैटर को तैयार कर लिया है। एकदम फाइन बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हो आप ये। अब इसको ढक के थोड़ी देर, जब तक अपनी चाशनी बनती है इतनी देर के लिए रेस्ट के लिए ही एक तरफ रख देते हैं। अब इधर ले लेंगे एक बाउल। यहाँ बाउल में ले लिए मैंने 2 कटोरी शक्कर और इसी में लिया है मैंने 1 कटोरी पानी। गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और इसकी बनाएंगे चाशनी। इसी तरह हिलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। देखिए धीरे धीरे हमारी शक्कर गलने लग गई है। अब इसमें डाल देंगे चुटकी भर फूड कलर। तो यहाँ मैंने चुटकी भर ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, इतना ही काफ़ी होता है। तो चुटकी भर फूड कलर लिया है। अब इसको इसी तरह हिलाते हुए चलाएंगे जब तक ये अच्छी से चिपचिपी सी हमारी चाशनी बन के तैयार नहीं हो जाती। देखिए इस तरह से इसमें उबाल आ चुका है ये। तो ये देखिए ये इस तरह की बिल्कुल तार भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये इस तरह की हमारी एकदम चिपचिपी सी हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। अब इधर ले लेंगे ये बैटर। इसको एक बार और हम चम्मच से थोड़ा सा, अब की बार ज़रूर चम्मच से हम इसको फेंट सकते हैं। तो इस तरह से चम्मच से इसको थोड़ा सा और फेंट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की का हमारा बैटर हमें बना के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी और यूज कर दिया है। ये इस तरह से, तो ये हमारा बैटर बन के तैयार है। अब इसको यहाँ मैं एक बोतल में भरने वाली हूँ। देखिए
अब हमें चाहिए जलेबी बनाने के लिए। आप कपड़ा यूज करना चाहो तो कपड़ा, जो भी आप यूज करना चाहो, पाउच यूज करना चाहो कोई भी तेल का या किसी चीज़ का तो उसका यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास इस तरह की बोतल है, ये मैं बाजार से जलेबी बनाने के लिए ला के रख रखी है मैंने, इसे झटपट बन जाती है तो इस बोतल में इस बैटर को भर लेती हूँ। तो ये मैंने बैटर को इस बोतल में डाल दिया है। ये देखिए पूरी बोतल भर लेनी है, तो इस वाले बैटर से मेरी दो बोतल भर के तैयार की थी अलग अलग बार। तो ये इस तरह से मैंने बोतल को यहाँ भर लिया है। अब इस बोतल का लगा देंगे ढक्कन। मैं आपको एक और आइडिया बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरह की बोतल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बोतल की जगह पाउच का भी यूज कर सकते हो। ये इस तरह का पाउच लेके उसका भी यहाँ यूज कर सकते हो, पाउच से भी बहुत ही शानदार जलेबी बनती है। और आपके पास चपटे पेंदे की कढ़ाई नहीं हो तो इस तरह की थाली में भी आप जलेबी बना सकते हो, थाली में भी बहुत ही बढ़िया आसानी से जलेबी बन जाती है। ये देखिए, तो यहाँ मैंने चपटे पेंदे की कढ़ाई में तेल पहले ही चढ़ा दिया था, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस तरह बोतल को घुमाते हुए हम इसमें जलेबी बनाएंगे। तो अपनी कढ़ाई के स्पेस अकॉर्डिंग यहाँ हम जलेबी को इसमें बनाएंगे। तो देख सकते हो आप, जैसे हम बैटर को हम डाल रहे हैं इसमें, ये हमारी जलेबी ऊपर आके तैरने लग गई। इसका मतलब हमारा बैटर भी परफेक्ट बना है और जलेबी हमारी एकदम रस बढ़िया पीने वाली है। तो इसी तरह इनको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे अच्छी कड़क होने तक। देख सकते हो, तो इसी तरह उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से इसको फ्राई करेंगे। तो यह हमारी जलेबी फ्राई हो चुकी है, अब इसको चाशनी में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डालते जाएंगे, डुबोते जाएंगे, कितनी बढ़िया हमारी जलेबी रस पी रही है, देख लो आपको दिख ही रहा होगा। ये इसी तरह बाकी के बैटर की भी हम जलेबी बनाएंगे। तो एक बार और दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से बोतल को लेना है और राउंड राउंड शेप में दबाते हुए इस तरह जलेबी का शेप दे देना है। ये तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है जलेबी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वैसे मुझे तो बनानी रहती है तो मैं तो फटाफट इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो देखिए जो हमने चाशनी में जलेबी डाली थी उसको हम इस तरह से इस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया रस पिया है जलेबियों ने और एकदम टेस्टी स्वादिष्ट जलेबी बन के तैयार हुई है हमारी। देख ही सकते हो आप, दिख ही रहा है। बाकी दूसरी जलेबियों को भी इसी तरह डुबो डुबो के चाशनी में निकाल लेंगे। तो दो कटोरी में लगभग 1 किलो जलेबी बनके तैयार हो जाती है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। देखिए कितनी सारी जलेबी बनके तैयार है। तो देखिए इतनी सारी जलेबी बनके तैयार हो चुकी है, इसमें से बहुत सारी तो मेरी बेटियों ने खा भी ली। देख सकते हो मैंने आपको एक फोड़ के दिखाई है कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है।
थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय।